मैं परम सौभाग्यशाली हूँ आज इस पवित्र स्थल गुरुद्वारा साहिब अमृतसर गोल्डन टेंपल यहाँ पर आकर के गुरुओं के चरणों में हमारे हरियाणा के मैं विकास की कामना करता हूँ। हर व्यक्ति स्वस्थ हो, आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना मैंने यहाँ पर की है। और सभी को मैं आज इस पवित्र भूमि से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। अच्छा लगा है आज इस पवित्र भूमि पर शीश नवाया है, आकर के मन को बड़ी शांति भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आज दस्तार सजाकर आए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, दस्तार तो समय समय के ऊपर सजती रहती है और समय समय पर गुरुओं के चरणों में जाने का अवसर भी मिलता है। अभी भी कुछ रोज पहले भी मैं इस पवित्र स्थल के ऊपर आया था, जब यहाँ पर, क्योंकि पार्टी के इंचार्ज के नाते मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई थी, 6 महीने पहले मैं इस स्थल के ऊपर आया था, शीश नवाया था। अच्छा लगता है समय समय के ऊपर दस्तार, तो ये गुरुओं की हमारी देन है और ये सजती रहनी चाहिए। अच्छा लगा है कि आज इस पवित्र स्थल के ऊपर आज मुझे मौका मिला है आने का। पंजाब के काफी हिस्से में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया, लेकिन हरियाणा फिर भी डंटे की चोट से पानी मांग रहा है पंजाब से, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हरियाणा पंजाब से अलग नहीं है, हम एक ही हैं। परिस्थितियां हो जाती हैं कि सूबा बड़ा है और विकास की गति जो बनती है वो नहीं बन पाती, उस कारण से सूबे से एक अलग सूबा खड़ा हुआ। हम हरियाणा के छोटे भाई हैं पंजाब के, हम आग्रह करते रहे हैं, बड़े भाई का फर्ज है छोटे भाई को पानी पिलाना। लेकिन खुद ऐसा है कि पंजाब आपको पानी कैसे दे पाएगा? नहीं, देखिए, हम बड़े भाई से आग्रह ही कर सकते हैं और हमारा हरियाणा की बहुत ज़्यादा भूमि वो उस पानी का इंतज़ार कर रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि पंजाब बड़े भाई के नाते अपने छोटे भाई को निराश नहीं करेगा। दिल्ली में वो अवश्य अवश्य वो उस बात को पूरा करेगा, क्योंकि एक ही परिवार है, एक ही घर है, दो घर नहीं है, एक ही घर है। और अपने परिवार से, अपने बड़े भाई से वो अवश्य देगा, हमें पूर्ण विश्वास है।